नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और मैं विरुद्ध दुबे आप लोगों को यहाँ पर RRB NTPC के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ जनरल स्टडी के। तो दोस्तों, इस क्रम में ये आठवां वीडियो है। इसके पहले मैं 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उन सभी के सभी 7 वीडियोज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आप नीचे जो लिंक दिए गए हैं आप उस पर जा करके क्लिक करेंगे तो मुझे फॉलो कर सकेंगे। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस वीडियो का टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 RRB NTPC किरण के। ये प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें से 45 प्रैक्टिस सेट हम लोग को सॉल्व करने हैं। इसमें ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है किसी शब्द की लंबाई की माप जो होती है उसको हम लोग किस में नापते हैं, उसको नापते हैं हम लोग बिट में। ठीक है, किस में नापते हैं, बिट में मापते हैं। और आप लोगों ने सुने होंगे कि कंप्यूटर जो है वो 34 बिट या 64 बिट्स के होते हैं। तो जनरली जो है वो कंप्यूटर की जो वर्ड्स की जो लेंथ होती है, वर्ड लेंथ होती है, वो 8, 16 या 32 या 64 बिट में नापी जाती है। तो आजकल कंप्यूटर जो है वो या तो 32 बिट के हैं या 64 बिट के हैं। तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि जो शब्द की लंबाई है वो किस में नापी जाती है, वो नापी जाती है बिट में। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम यहाँ पर चौथे नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है, वी ए शिवा अय्यादुरई। तो वी ए शिवा अय्यादुरई ने 1978 में 1978 में 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया था जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पेपर मिल सिस्टम वगैरह की विशेषताओं से लैस था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना प्रोग्राम मतलब बनाया हुआ था जिसे उन्होंने ईमेल रखा था। इसका नाम मतलब प्रोग्राम का नाम जो है उन्होंने ईमेल रखा था। और इसी के द्वारा विश्व में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट, ये सब जो है वो मेल सिस्टम की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप होने लगीं। तो ये कुल मिलाकर के इसका जो आंसर हो गया आपको मैंने बता दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी ए शिवा अय्यादुरई। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम टिम बर्नर्सली लिखा हुआ है। टिम बर्नर्सली को हम लोग हॉटमेल का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी RRB में पूछा गया है, हॉटमेल के जनक कौन है। तो हॉटमेल के जनक के रूप में आप नाम ले सकते हैं टी बर्नर्सली का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों इनमें में से अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो एक जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है वो अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है, यानी कि कीट को खाने वाले वनस्पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सा कीटहारी वनस्पति है। तो कीटहारी वनस्पति को भैया हम लोग कहते हैं यूट्रिकुलेरिया। तो यूट्रिकुलेरिया कीटहासी पौधे पादप होते हैं या वनस्पति होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो पहले हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। और ये मांसाहारी पौधों का एक वर्ग होता है। ये स्थलीय और जलीय दोनों प्रजाति के होते हैं। ताजे पानी में और नम पानी में, यानी समुद्र के पानी में और नदियों के पानी में भी पाए जा सकते हैं, दलदल वाले इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। तो ये इनको इनको आपको समझना चाहिए। और ये जो जलीय प्रजातियाँ होती हैं वे बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे गोलकृमि वगैरह जो होती हैं, फिश फ्राई जो होती हैं, और क्या कह सकते हैं, मच्छर के लार्वा वगैरह हैं, मेढक के लार्वा वगैरह हैं, टैडपोल्स वगैरह जिनको कहते हैं, उनको सबको ये पौधे खाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्लूकोज का, निम्नलिखित में से ग्लूकोज का एक बहु शाखा युक्त पॉलीसेक्राइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेक्राइड है। तो बहुशाखायुक्त पॉलीसेक्राइड जो है वो ग्लाइकोजन है। कौन है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का ही एक रूप है और कह सकते हैं बहुशाखित पॉलीसेक्राइड है जो मनुष्यों में और जीवों में और फफूंदों में ऊर्जा का संग्रहण के रूप में कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये ऊर्जा के संग्रहण के रूप में कार्य करता है। पॉलीसेक्राइड शरीर में जो ग्लूकोज का जो मुख्य संग्रहण है उसका प्रतिनिधित्व करती है एक तरीके से, ठीक है, उसका सामना करती है वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, सिरका बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका बनाने के लिए दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH3COOH, ठीक। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन भैया पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है, जिसकी स्थापना महर्षि देवेंद्र नाथ ने करी थी। तो यहाँ पर महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी, हालांकि यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में भी इसको जाना जाने लगा है बाद में। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ है बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो पाली भाषा में है, उस समय पाली भाषा चलती थी, तो पाली भाषा में मुख्य रूप से ऐसे पिटक वगैरह हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मांग का नियम कहता है, मांग के नियम की यहाँ पर बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इसे मांग का नियम नहीं कह सकते हम। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि कोई मतलब बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं अगर उनको हम नेग्लेक्ट कर दें, उनको नेग्लिजिबल कर दें, तो यदि अगर मांग की गई वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच अगर संबंध देखा जाए तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर मांग की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर से बात है मांग की मात्रा, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। महंगी होती जाएगी चीज़ तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से, पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश मुख्य रूप से गठित होता है। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन लिखा है ऑक्सीजन आयरन पहला, दूसरा लिखा है ऑक्सीजन सिलिकॉन, तीसरा लिखा है सिलिकॉन आयरन, और चौथा लिखा है सिलिकॉन एल्युमिनियम। देखिए आप लोगों ने पृथ्वी की तीन लेयर पढ़ी होंगी, सियाल, सायमा और नीफे, ठीक है। तो ये पहली परत हो गई सियाल, दूसरी हो गई सायमा, तीसरी हो गई नीफे। तो सियाल में सिलिका एल्युमिनियम होता है SiAl, ठीक है, सियाल, और दूसरे में सायमा होता है SiMa। और इस चीज को ध्यान देकर के अगर आप सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर प्रॉपर्टी के ऊपर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है। तो प्रमुख अंश में ये नहीं कहा गया कि धात्विक है या अधात्विक है या गैसीय है या कुछ भी है, यहाँ पे प्रमुख अंश की बात करी जा रही है। जबकि अगर हम सिलिका और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो ये धात्विक हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो पाया जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिलिका और फिर उसके बाद एल्युमिनियम है ना, तो सिलिकॉन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, तो सही है। लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलती नहीं करिएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे आप, इसमें टिक गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिनेबार निम्नलिखित में से एक अयस्क खनिज है, मतलब आपसे पूछा गया है सिनेबार जो है किसका अयस्क है, किस खनिज का अयस्क है। तो सिनेबार जो है वो मरकरी, यानी कि जो मरकरी होती है HG जिसको बोलते हैं, उसका ये अयस्क होता है, ठीक है। मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, ठीक। हाँ लेड का अयस्क अगर आप ध्यान रखेंगे तो गैलेना होगा, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। आगे क्वेश्चन किया गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा इस चीज़ को करने के लिए कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, वो जो द्रव्यमान संख्या है मान लेते हैं, और उसमें से परमाणु संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। परमाणु संख्या कितनी, अब देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 32, और परमाणु संख्या कितनी दी हुई है 16। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप क्या दे देंगे? 16, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो यह एक निम्नलिखित में से किस रूप में परिवर्तित होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई तारा अगर सूर्य के आकार का है या सूर्य से छोटा है, तो वो आगे चल करके जब उसकी लाइफ आगे जो है धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो श्वेत वामन बन जाएगा। श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ इसको बोलेंगे। लेकिन यदि अगर कोई बड़े आकार का तारा है तो वो बड़े आकार का तारा आगे चल करके निम्नलिखित में से पल्सर में कन्वर्ट हो सकता है या न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्सर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्सर। पल्सर जो है वो एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा ही होता है, लेकिन बहुत तेजी से अपनी जो एक्सिस है उस पर मूव करता है, और अगर मूव नहीं कर पाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, चलिए 14th में चलते हैं। लिखा है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है। तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से पहला नंबर लिखा है ऑप्शन में थार की बात करी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गोबी, एक मिनट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गोबी मरुस्थल है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? गोबी मरुस्थल। गोबी, और गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा उत्तरी चीन सागर, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया का जो प्रांत है आपका, वहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा तकला माकन की बात करते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है तकला माकन, ये जो है आपको नॉर्थ वेस्ट चाइना में मिलेगा। और इसके अलावा एक और लिखा हुआ है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान के पास पाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला लिखा है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर का दरबारी संगीतज्ञ जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये थे मियाँ तानसेन। ये कौन थे? मियाँ तानसेन। ठीक है, और मियाँ तानसेन की अगर हम लोग बात करते हैं, मियाँ तानसेन की यदि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1562 में यहाँ अकबर के दरबार में संगीतकार के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी है आपको ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन इसी से सिमिलर पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु का क्या नाम था। तो तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ठीक है, यानी तानसेन जो है वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे, और अकबर के यहाँ आने से पहले वे मेवाड़ के एक राजकुमार के दरबार में कह सकते हैं कि संगीतकार हुआ करते थे। बाद में अकबर के नवरत्नों में से एक हुए। आगे अबुल फजल के बारे में है, राजा बीरबल के बारे में है, टोडरमल के बारे में आप जानते ही होंगे। अबुल फजल जो है इनके प्रमुख वजीर में से एक थे, बीरबल जो है इनके नवरत्नों में से एक थे और प्रमुख सलाहकार और साथ ही साथ सेनापति भी थे। और राजा टोडरमल की बात करें तो ये अशोक के नवरत्नों में से एक थे, और इन्हें जो है राजा अकबर का वित्त मंत्री माना जाता है। आगे लिखा है, अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजा थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। प्रद्योत यहाँ पर एक राजा का नाम है। प्रद्योत जो है वो उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे जो कि हर्यक वंश में के सिमिलर थे। हर्यक जो है वो मगध का पहला राजवंश माना जाता है, और इसके पहले राजा बिंबिसार थे। और नंद वंश वो वंश है जिसको समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जिसके प्रमुख राजा के रूप में आप महापद्मानंद और धनानंद का नाम सुनते हैं। इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, पहली बात तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ये विमा रहित होता है ये आपेक्षिक घनत्व, इस वजह से इसकी कोई इकाई नहीं। आगे लिखा है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की भाई न्यूनतम पात्रता जो उम्र है वो 18 वर्ष है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, लेकिन हमेशा से 18 वर्ष नहीं रही है। पहले भारत में वोट देने की जो जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 18 वर्ष जो है ये आयु 1989 से लागू हुई है, 28 मार्च सन 1989, 1989, 28 मार्च 1989 से अब भारत में वोट देने वालों के लिए न्यूनतम एज जो है वो कितनी है? 18 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एक अमेंडमेंट के द्वारा जो है आयु में चेंज किया गया था, और ये 61वां संविधान संशोधन 1988 था जिसके द्वारा आयु जो है वो बदल दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब लाया गया? तो पहला ऑप्शन तो भारत की आज़ादी के दिन का है, 15 अगस्त 1947, और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और उसे हम लोगों ने अंगीकार कर लिया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया था, पर इन्फोर्स जो है वो 26 जनवरी को हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आई आई टू हैड अ लव स्टोरी, आई टू हैव अ लव स्टोरी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के
इस पुस्तक के लेखक हैं रविंदर सिंह, ठीक है। और इसके अलावा तीन और यहाँ पर राइटर्स हैं जिसमें झुंपा लाहिरी का नाम है। झुंपा लाहिरी अमेरिकन राइटर हैं और बहुत ही फेमस जो है इनकी एक किताब है जिसका नाम है द नेम सेक। तो आपको इस किताब का भी नाम याद रखना है, द नेम सेक, NAMESAKE, ठीक है, द नेम सेक। अमीश त्रिपाठी भी बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं ये, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है मुख्य जो फेमस, वैसे तो बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह के लिए फेमस हैं, उन्हीं में से एक किताब है द सीक्रेट ऑफ नागाज, तो ये इनकी बहुत ही फेमस किताब है। सलमान रशदी के बारे में हम पिछले तीन चार सेट्स में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर यहाँ पे सलमान रशदी का नाम है। तो सलमान रशदी ने किताब जो लिखी है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द सटैनिक वर्सेज, ये मोस्ट फेमस बुक है सलमान रशदी की। अगला क्वेश्चन किया गया है MS वर्ड में कंट्रोल एस जो है वो क्या है। तो MS वर्ड में कंट्रोल एस क्या करता है, ये सेव करने का एक ऑप्शन है, यानी कि फाइल को सेव करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करेगा, डॉक्यूमेंट को भिन्न नामों और क्लोजेड डॉक्यूमेंट के साथ सेव करेगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम से, अब बिल्कुल जिस नाम से सेव होगा वो उसी नाम से सेव कर देगा, कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। हाँ कंट्रोल एस कर देंगे तो वो उसी नाम से सेव कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया। तो लार्वा का उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं उसको, कायांतरण, मेटामॉर्फिनिज्म, ठीक, कायांतरण बोलते हैं इसको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस एन कमांड का प्रयोग। देखिए एन का मतलब होता है न्यू यहाँ पर, ठीक है, तो कंट्रोल एन का मतलब न्यू विंडो के लिए ओपन करने की बात हो जाएगी, तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक। और यहाँ पर आगे लिखा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, आपको मालूम है कंट्रोल एस की बात करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ करते हैं, और डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को कह सकते हैं कि हिट किया जाता है। 24th नंबर लिखा है विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं। तो विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर भैया आइकन कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइकन। और क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या था, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, यानी कि थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। लिखा है नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो उगादी नाम का जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन में कर्नाटक का नाम है, आंध्र प्रदेश का नाम नहीं है, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश भी है अगर कभी ऑप्शन में आ जाएगा, तो कर्नाटक तो है ही इसका राज्य, ठीक है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन जो है सृष्टि की शुरुआत करी थी, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है। देखिए शहर के कई क्षेत्रों में जो फैला होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और शॉर्ट करेंगे जब इसको तो आएगा MAN, मैन, ठीक है। और LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। तो अरब सागर में मिलने वाली जो, देखिए भारत के अगर हम नक्शे की बात करते हैं, यदि अगर भारत के नक्शे को इस तरीके से ड्रॉ किया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में पूरब की ओर आकर के गिरती हैं, इस तरीके से नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, इस तरीके से ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर हैं, वेस्ट की ओर, वेस्टवर्ड रिवर्स के रूप में भी इनको जाना जाता है। और यही दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में मुख्य रूप से मिलती हैं, हालांकि और भी नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं, जैसे कि ताप्ती है, माई है, लूनी है, ये सब भी आकर के नर्मदा, सॉरी ये क्या नाम है, इधरी की ओर गिरती हैं, अरब सागर की ओर ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नदियाँ हैं। और ये दोनों नदियाँ जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, तो फॉर्मेट कौन सा है। तो भैया IT इनकम टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मेट यूज होता है फॉर्म भरने के लिए वो होता है XML, ठीक है, कौन सा होता है, XML, आप लोगों ने भरा होगा तो आपको मालूम होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्र हुए थे। जलियांवाला बाग आज से कुछ दिन बाद, आप मान के चलिए कि 12 दिन बाद 13 अप्रैल आएगा, तो 101 साल हो जाएंगे इस घटना के। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस कार्य का विरोध करने के लिए हुआ था, पंजाब में मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए या फिर साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, साइमन कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है
कौन सी कीज एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को एडवांस नहीं करती है? तो मतलब कहने का, जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, ऑन करेंगे, स्लाइड्स रिप्रेजेंट प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उस समय कौन सी की काम नहीं करेगी? तो F4 का कोई काम नहीं होता है उस समय। स्पेस बार से आप स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं, एंटर से स्लाइड जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, भागती है, लेफ्ट राइट के क्लिक से आप स्लाइड को आगे और पीछे कर सकते हैं। तो ये तो सारे फंक्शन काम करते हैं, लेकिन F4 उस समय फंक्शन काम नहीं करता है, आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो संस्कृत व्याकरण की के ऊपर प्रबंध शोध लिखने का काम किया है पाणिनी ने, और पाणिनी ने अष्टाध्यायी की रचना करी है। पाणिनी ने जिस किताब की रचना करी है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो इसका करेक्ट आंसर है पाणिनी। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने के लिए कितने वर्ष जुड़े जाते हैं? देखिए, सन 78 में शक संवत चलना शुरू हुआ था, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एडी के वर्षों को शक में परिवर्तित करने के लिए एडी के वर्ष में से 78 घटाना पड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये बहुत ही सिंपल है, तमाम सारे लॉजीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, पोमोलॉजी है, स्पर्मोलॉजी है, ऐसे करके कई सारे लॉजीज हैं जो आपको याद रखनी होगी। इसमें से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी जा रही है, तो ये घास से संबंधित है। किससे संबंधित है? घास से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34 लिखा है, NAVIC नेविक है, नेविक क्या है इनमें में से? तो नेविक जो है वो एक प्रकार की भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, जीपीएस सिस्टम है, यूवी सिस्टम है या पनडुब्बी प्रणाली है। तो नेविक जो है वो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये जीपीएस सिस्टम है जो कि नेवल सर्विसेज में यूज किया जाता है। तो ये जीपीएस सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीपीएस सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्रीय नौ संचालन उपग्रह प्रणाली जिसको IRNSS बोलते हैं, ये इसका एक परिचालन तंत्र है और जीपीएस प्रणाली के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। आगे देखा जाए यदि अगर, तो नेविक जो है ये इसके मतलब टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं और ये केवल भारत और हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है और सुरक्षित करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें में से कौन सा होगा? चलती हुई कार, ये होगा। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण और खिंचाव मुक्त रबड़, यानी खींच करके छोड़ दिया गया जिसे। तो इसमें तीन के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करी जा रही है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अशीताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा, थार का मरुस्थल नहीं है, ये डेक्कन का पठार है, दक्कन का पठार के बारे में यहां पर ये विशेषता की बात करी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा दक्कन का पठार। देखिए, काली मृदा का निर्माण जो होता है वो आग्नेय शैलों के अपक्षय द्वारा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब लावा ठंडा होता है तो ये घटना घटित होती है। तो दक्कन के पठार में काली मृदा है और उससे बनी थी, इसमें ह्यूमस वगैरह की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, आयरन की काफ़ी प्रचुर मात्रा होती है, मैग्नीशियम, चूना और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए भारत में तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सब भागों में बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है, इस कृमि का नाम क्या है? तो भैया बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फीता कृमि, टेप वॉर्म जिसको बोलते हैं, फीता कृमि। ठीक है, और ये मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है, आपके मस्तिष्क में स्वेलिंग आ सकती है, वहाँ पे छोटा सा कह सकते हैं कि मवाद या पस भी भर सकता है, फोड़ा बन सकता है, तो काफ़ी खतरनाक है ये, इसीलिए सब्जियाँ धोके खानी चाहिए। आगे लिखा है, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो यीस्ट के द्वारा शर्करा, यानी कि ग्लूकोज एक तरीके की होती है शर्करा, उसका अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन बोलते हैं, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे सिरका वगैरह इसी सब प्रक्रिया से बनता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे के कह सकते हैं कि एक सेट में सॉल्व कर चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर ये जो था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में पूछा गया था। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ इसका क्वेश्चन का, तो सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है भैया आयु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ईयर। लेकिन ये जो कह सकते हैं कि योग्यता संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में दिए गए आर्टिकल नंबर 84 के अनुसार, राज्यसभा में आपको 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी करनी चाहिए, तब आप भारत के राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। आगे लिखा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी भैया चंद्रगुप्त सेकंड ने, और जो कि कह सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली राजा था और समुद्रगुप्त का बेटा था। 380 से 415 ईस्वी तक इसका राज्यकाल था, और इन्होंने जो है वो उज्जैन को जीत लिया था, और वहां पर जीतने के बाद अपनी उसको अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया था। इसके शासनकाल को भारत का स्वर्णकाल कभी माना जाता है, और क्या कह सकते हैं हम कि जो गुप्त काल है उसको भारत का पूरा स्वर्णकाल कहते हैं, और गुप्त काल का जो स्वर्णकाल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल को माना जाता है। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर लगा दिया होगा, समुद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर 3। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और लगातार ये सारी वीडियोज़ जो हैं वो कवर अप होंगी, 45 वीडियोज़ का कवर करने का टारगेट है हमारा, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।